लास्ट समय है, बहुत सारे का एज भी निकल जाएगा और बहुत सारे शादी ब्याह करके भी निकल जाएंगे, बहुत सारे बोरा ढोने के लिए भी दिल्ली बम्बई चले जाएंगे। लास्ट अगर अपॉर्चुनिटी है या कुछ करने का जज्बा है तो फिर डेट ऑफ बर्थ वाले हैं 1999, 2000, 2001 वाले, इसको 7 अगस्त के डेट में और 11 अगस्त के डेट में इसका एग्जाम का सेंटर पर आया, ठीक है। इतिहास गवाह है, जब जब बिहार पुलिस का क्वेश्चन वायरल हुआ है या फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो अगला एग्जाम जो हुआ है ना वो हार्ड एंड टाइट हुआ है, ठीक है। हेलो, जय हिंद सभी को, कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल ये नज़ारा जमुई स्टेडियम का है और मुहर्रम का ड्यूटी लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग के लिए सोचे कि वीडियो बना देते हैं, बिकॉज 15 जुलाई को ये आपका जो बिहार पुलिस 1391 वाले वैकेंसी का सेंटर का जिला और जो डेट आपका पड़ा है एग्ज़ाम का, उसके बारे में आप लोग से बात करने के लिए आए हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि बाबू 15 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम का जिला और जहां आपका सेंटर पड़ेगा वो डिस्ट्रिक्ट और आपका एग्ज़ाम का डेट आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। 11 जुलाई को ही नोटिस आया था, उसके बाद से वीडियो हम नहीं बनाए थे, ठीक है। आप लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि भैया बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो बनाइए कि कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें, कैसे एडमिट कार्ड निकलेगा, कहाँ से डाउनलोड करें। बहुत सारा आप लोग का टॉपिक जो है ना वो मतलब छूटता नहीं है, ठीक है। किसी ना किसी का एक ना एक प्रॉब्लम रह ही जाता है। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं दोस्त, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज 7 अगस्त है। हाँ, अब आप लोग का एक सवाल ये था कि भैया ये 7 अगस्त को पहले डेट में ही मेरा एग्ज़ाम कैसे पड़ गया। आपको बता देते हैं, ये 1999, 2000, 2001 ये तीन डेट ऑफ बर्थ वाले जो है ना, इसको रेयर केस में बैक डेट दिया है, ठीक है। नहीं तो ये जितने भी डेट ऑफ बर्थ वाले हैं 1999, 2000, 2001 वाले, इसको 7 अगस्त के डेट में और 11 अगस्त के डेट में इसका एग्जाम का सेंटर पर आया, ठीक है। 11 तारीख को और 7 तारीख को इसका एग्जाम होने वाला है, बहुत रेयर केस में बैक चला गया है ये सब एज ऐसे डेट में। अब बता देते हैं आप लोग को, लड़की का होम सेंटर जो हम बता रहे थे कि बार बार कि लड़की का होम सेंटर देगा, वो भी नहीं दिया, ठीक है। यहाँ तक हम आप लोग को बोल रहे थे बार बार कि भैया लड़का का होम सेंटर चेंज कर देगा और लड़की का होम सेंटर रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समस्तीपुर के लड़की को उठा के मधुबनी फेंक दिया, मधुबनी के लड़की को उठा के मुजफ्फरपुर फेंक दिया, और यहाँ आपके सारण के लड़की को वेस्ट चंपारण फेंक दिया, वेस्ट चंपारण के लड़की को भागलपुर फेंक दिया, ये सब कंडीशन ऐसा सब देखने को मिला है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट वाले के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज वो जब अदर स्टेट से ही आएंगे एग्जाम देने के लिए तो बिहार में कहीं भी जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी सेंटर पर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिहार के प्रॉपर थे, जो लड़की के लिए हमने बताया था कि भाई आपका होम सेंटर देने वाला है बाबू, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप लोग का कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, आप लोग को बता देते हैं, सब लोग तो 15 जुलाई को चेक कर लिए होंगे कि आप लोग का एग्जाम कौन से डेट में पड़ने वाला और सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिया है। अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड का। आप लोग को बता देते हैं, जिसका भी एग्जाम 7 अगस्त को पड़ा है वो लोग 31 जुलाई से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 31 जुलाई से 7 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 7 तारीख को जब आपका एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन आपको 10:30 बजे एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। 10:30 बजे तक एटलीस्ट आपको सेंटर में एंट्री मिल जाएगा, तो वहां तक आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसका भी 11 तारीख को है वो एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा सबका, ठीक है। तो सब उस डेट में देख लीजिएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, कब डाउनलोड होता है, ठीक है। वैसे जब आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं ना, अभी जो भी 15 जुलाई को सर्च कर रहा है कि भाई मेरा एग्ज़ाम कौन से सेंटर कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कितने तारीख को एग्ज़ाम है, वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है कि आप इतना तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर में, तो टेंशन किसी को भी नहीं लेना है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, कैसे होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है आप लोग का कि भैया रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा नहीं मिल रहा है, खो गया, किसी तरह से रिसीविंग खो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को बता देते हैं कि जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ना 3 ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसमें और करके दिया रहता है अथवा में। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर किसी के पास नहीं है तो मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर दिए थे, उस मोबाइल नंबर को दे के और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दे के आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। तो जिसको भी निकालने के लिए नहीं आ रहा है वो साइबर कैफे पे जाइए, जहाँ पे आपका फोटोकॉपी होता है या कोई ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पे जाइएगा, आपको एडमिट कार्ड निकाल देगा, 10-20 रुपया लेगा, एडमिट कार्ड निकाल देगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है भैया कि सिलेबस चेंज हो गया, क्या करें। बाबू, हम आपको बार बार कहते हैं कि देखो, सिलेबस चेंज हो या कुछ भी हो, टेंशन कभी भी किसी चीज़ में नहीं लेना है, ठीक है। एक हिम्मत होता है ना, हौसला अपने अंदर में रखना है, ठीक। जब CSBC के तरफ से नोटिस निकलता था, नोटिफिकेशन निकलता था, हर बार बोलता था कि बिहार पुलिस वाला कि हम भाई 10th लेवल से आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक। लेकिन होता क्या था उसमें कि BPSC लेवल का क्वेश्चन आता था या फिर दरोगा लेवल का क्वेश्चन आता था, ठीक है उसमें। और अभी अगर बोल दिया है कि हम 9th बेसिस पे या 10th बेसिस पे आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लेंगे और ये आपके एग्ज़ाम होने से 15 से 20 दिन पहले नोटिस कर रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है आप लोग को, तो फिर डर क्यों लग रहा है आप लोग को।
आप एक बात बताइए, जो आप टीचर से एजुकेशनल टीचर या फिजिकल टीचर के पास पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ आपको देखिए किसी भी सिलेबस को आप उस टॉपिक से देखिए ना कि जो आपका सिलेबस CSBC जारी किया है। अब आप हिंदी से उठा के पूरा मैथ तक देख लीजिए, GK GS तक और साइंस तक देख लीजिए, उसमें जो भी सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है, मान लीजिए कि जीव विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान में क्या है, प्रजनन है, ये वो दिस दैट फलां चलना जितना भी है, ये टोटल टॉपिक आप लोग को एजुकेशनल टीचर पढ़ा रहे हैं, वो चाहे RWA के सेट से आप लोग पढ़ रहे हैं या बैच से पढ़ रहे हैं, उसके बाद ज्ञान बिंदु हो गया, आपके SK जासर हो गए, आपके सफलता बैच वाले ये अमित तिवारी सर हो गए, जितने भी टीचर हैं एजुकेशनल के, ये सब लोग सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी तरह से फ्लोइंग कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, और जो भी अभी फिलहाल में सेट मार रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा आप लोग को सेट मारने की ज़रूरत है, ठीक, अभी 15 से 17 दिन आप लोग के पास मैक्सिमम बचा हुआ है, ज़्यादा समय है नहीं वैसे, तो आप लोग सबसे ज़्यादा जितना से जितना ज़्यादा होना आप लोग सेट मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वो चाहे किसी का भी सेट हो, RWA का सेट हो, किरण पब्लिकेशन का हो, अमित सर का हो, SK झा का हो, या फिर किसी का भी सेट हो, टेस्ट बुक का हो, जिसका भी हो, आप लोग सबसे ज़्यादा सेट मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोई भी अभी किताब ये मत बोलिए कि भाई हम NCERT की बुक पढ़ेंगे या किरण पब्लिकेशन का बुक पढ़ें या RWA का बुक पढ़ें या जो अभी लॉन्च हो रहा है बुक वो पढ़ें, नहीं, अभी बुक पढ़ने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। बार बार आप लोग को बताते हैं कि बुक नहीं लेना है किसी को, जितना से जितना आप लोग सेट मार सकते हैं भाई, सेट अगर मारेंगे ना तो आप लोग को अपना औकात पता चलेगा, ठीक है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कहा कि आप लोग की वैकेंसी 21,391 की है और 18 से 19 लाख के समथिंग में फॉर्म भरा है, एग्जाम देगा कंपिटिटर है आपका 12 से 13 लाख और रिजल्ट आपका देगा 5 गुना यानी कि 1,07,000 के समथिंग में, तो उसमें आपको सर्वाइव करके 1,07,000 के अंदर में सबसे पहले आना है। लड़की का 40,000 और लड़का का 67,000 रिजल्ट देने वाला है CSBC, ठीक है, तो उसमें अपने आप को लाना है, कैसे लाएंगे, ठीक है, ये आपके सोच पे डिपेंड होना चाहिए कि क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग सेट मारिए और अपना औकात देखिए कि क्या है, जब सेट में अगर किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है ना, उस चीज़ को दोबारा रिविजन करिए, ठीक है, जैसे GK GS हो गया आपका, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सब पता है कि कितने कितने नंबर का आपका आता है, 70 नंबर का आपका GK GS हो गया, 30 नंबर में आपका, 15 नंबर का हिंदी और इंग्लिश है और 15 नंबर का आपका मैथ है, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स भी GK GS में इंक्लूड कर दिया गया है और फिर आपके मैथ में रीजनिंग थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर 9th और 10th बेसिस पे ही पूछेगा, इतना मन से निकाल दीजिएगा कि ये 9th और 10th बेसिस पे ही आपका एग्जाम लेगा, कभी नहीं लेगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये 7 तारीख को एग्जाम होगा ना, 7 अगस्त को, फिर आप हम लोग को आके ना आप लोग हमको बताइए कि भाई कैसा एग्जाम गया और किस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ये चीज़ आप लोग आके बताएंगे हमको, ठीक, तो इतना भरम में नहीं रहना है कि ये 9th और 10th बेसिस पे ही आपका एग्जाम लेने वाला है। अब आप लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि भैया रिवीजन करते हैं और भूल जाते हैं, रिवीजन करते हैं और भूल जाते हैं, देखिए आपके पास ना 20 दिन ओनली फॉर बचा है, ठीक है, 20 दिन की स्ट्रेटजी अगर आप समझेंगे ना तो GK और GS को आप लोग ना सुबह सुबह तैयारी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अभी रनिंग को छोड़ दीजिए, शाम में रनिंग कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आप GK GS को सुबह सुबह 4-5 बजे सुबह में 2 घंटा अगर GK GS को दे दिए, फिर 1-1.5 घंटा आप मैथ को दे दिए, 1-1.5 घंटा आप हिंदी इंग्लिश को दे दिए, उसके बाद इतना समय देने के बाद ना एक बार सेट मार लीजिएगा, ठीक है, सेट मारने के बाद जो नंबर अगर कम आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, उस चीज़ का फटाक से रिवीजन कर लेंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं भाई अभी 20 दिन समय बचा हुआ है, ठीक है, 8 से 10 दिन में आप नंबर इंक्रीज लगेगा ना, उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, नंबर बढ़ाने के यही एक सटीक तरीका है, रिवीजन करते रहिए, सेट मारते रहिए, जो होगा देखा जाएगा यार, इतना घबराना क्या है, जो होगा देखा जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोग का सवाल बढ़ रहा है कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है, हम बार बार वीडियो में बता दिए हैं बाबू कि देखो कट ऑफ आपका वही रहने वाला है, जनरल का 60 से 65 के अप्रोक्स में और महिला का 50 से 55 जनरल का, उसके बाद जितने भी ये नीचे कैटेगरी वाइज है वैसे वैसे आप लोग 2 नंबर 3 नंबर करके कम करते जाइएगा, ठीक है, यही रहने वाला है। हाँ, अब 9th और 10th बेसिस से अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लेता है तो फिर क्या होगा, अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहा तो फिर कट ऑफ आपका कम जाएगा, अगर क्वेश्चन का लेवल लो रहा तो फिर आप कट ऑफ आपका हट जाएगा, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम हो जाएगा तभी आपका एनालिसिस होना पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक। तो बाबू ये आपकी 20 दिन की स्ट्रेटजी है, अगर ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो हम कसम से कह रहे हैं आपका सबसे पहले नंबर भी बढ़ेगा, स्कोर जो आपका अभी 45, 50, 55 ऐसे आ रहा है, सब कोई जो भी 60 के प्लस हैं वो समझिए अपने आप को सेफ है, ठीक है, बस रिविजन करने की देरी आप लोग का है, और लड़की लोग पगले या सब तो अभी भी बोल रहे हैं हम लोग, समय बहुत कम बचा है बाबू, अभी भी अगर जी जान लगा के मेहनत कर लिए ये बर्तन चौका से हट के तो ज़िंदगी आपका बन सकता है, ठीक है, अगर रिजल्ट बन गया तो फिर तो
फिजिकल तो अपने हाथ में है, वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो जितने भी लड़का लड़की हैं, ये लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि भैया तैयारी कहाँ से करें, सेट कहाँ से मारें। तो सेट आप लोगों को हम बता दें कि सेट कहाँ से मारना है। बाकी जीके जीएस और ऑल भी सब्जेक्ट जितने भी हैं, इनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11,880 और 84,115 वाले में भी ये क्वेश्चन मैच किया था, ठीक है, आपके एग्जाम में। और 2012 से लेकर अभी तक में जितना भी अकॉर्डिंग एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ है, टोटल क्वेश्चन का आंसर वन लाइनर मेरे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। 1476 रुपया 76 रुपया में ब्रह्मास्त्र आपका 5000 प्लस क्वेश्चन वाला, जिसमें कि प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिला हुआ है। तो जिसको भी लेना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, 1476 रुपया आपको पे करना है और आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 50 से 55 नंबर आपका आना एकदम तय है, अगर अच्छे से तैयारी कर लिया जाए उस मटेरियल से तो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभी टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे आप आ गए हैं यूट्यूब पे बेचने वाले, जो 300-400 रुपया आपसे ले लेगा, लेकिन क्वेश्चन मैच करे या ना करे ये तो बात की बात है, लेकिन हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन जिसको भी लेना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक। और सुनो, लाइफ में ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है, ठीक है। तो लास्ट समय है, बहुत सारे का एज भी निकल जाएगा और बहुत सारे शादी ब्याह करके भी निकल जाएंगे, बहुत सारे बोरा ढोने के लिए भी दिल्ली बम्बई चले जाएंगे। लास्ट अगर अपॉर्चुनिटी है या कुछ करने का जज्बा है तो फिर रेडी हो जाइए, आ जाइए। बिहार पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और क्या ही बोल सकते हैं, बस मेहनत कर लो दोस्त, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि क्या भैया फिर से चोरी वोरी होगा क्या? चोरी के लिए इतना किया है, ये नेपाल बॉर्डर से उठा के बंगाल बॉर्डर किशनगंज भेज दिया एक से दूसरे कोना पे। हाँ, तो इतना भरम में मत रहिए, ठीक है। ये इतना सारा व्यवस्था अगर और टाइट अगर सीएसबीसी की तरफ से किया गया है, इतना यकीन रखिए कि कुछ बेटर होगा, कुछ अच्छे तरीके से एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। और इतिहास गवाह है, जब जब बिहार पुलिस का क्वेश्चन वायरल हुआ है या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो अगला एग्ज़ाम जो हुआ है ना वो हार्ड एंड टाइट हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने विचार से, तैयारी कर लीजिए कैसे क्या था। बाकी और भी किसी तरह का आप लोग को दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम पे भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ पर डे क्विज होता है, ठीक है। तो क्विज में भी आप लोग जाके सेट मार सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं और स्कोर देख सकते हैं। फिलहाल प्रॉपर रूप से बिहार पुलिस का तैयारी उस पर कराया जा रहा है, ठीक है। और व्हाट्सएप पर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।